ताकि उनके परिवार को दो वक्त की रोटी मिले, उसके साथ साथ अपने बच्चों को वो शिक्षा दे सके। काम हो रहा है, शायद आज तक जितने भी सरकारें आए हैं ऐसा काम नहीं हुआ। अगर चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, बिलखसूस जो हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ साथ जो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा, जिस तरह उन्होंने अंथक मेहनत की, डोर टू डोर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना और डेवलपमेंटल राह को हमवार करना, हर जगह पब्लिक के बीच में जाना। हमने एक आवाज़ दी है, जैसे अभी भी टेक्निकल असिस्टेंट जो नरेगा में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ GRS बहुत सारे मनरेगा के डिपार्टमेंट में जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए, तो हम गवर्नर शासन से कहना चाहते हैं उनके लिए एक रेगुलराइज पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनके परिवार को दो वक्त की रोटी मिले, उसके साथ साथ अपने बच्चों को वो शिक्षा दे सके। ये टेक्निकल असिस्टेंट्स का मामला ही नहीं है, उसमें आशा वर्कर्स का भी इशू है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी इशू है और NRHM में बहुत सारे मुलाजमत हैं, कैजुअल लेबर्स है, NYCs है, रहबर खेल और रहबर जिलात की अगर हम बात करें, कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ 1,00,000 से जायद अभी तक जो रेगुलराइज नहीं हुए उनको इलेक्शन से पहले रेगुलराइज किया जाए और एक मैकेनिज्म प्रिपेयर किया जाए ताकि उनके परिवारों को दो वक्त की रोटी मिले, दर दर के ठोकरे ना खाए। आज हमें बेहद खुशी है, पूरे जिले कुलगाम के लोगों को, बिलखसूस गोराबाद के आवाम को बेहद खुशी है। जिस तरीके से यहाँ पे इस सरकार में काम हो रहा है, शायद आज तक जितने भी सरकारें आए हैं ऐसा काम नहीं हुआ। अगर टूरिज्म की हम बात करें, हाल ही में आपने देखा पंचपथरी जो एरिया है वहाँ पे भी हमने टूरिज्म, छरनबल की बात करें, अहरबल की बात करें, आज मुझे लग रहा है 1947 से लेकर आज तक मुझे आज लग रहा है वाकई में नूराबाद बना है। चाहे यहाँ कितने सरकारें आए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, PDP की सरकार है और किसी पार्टी की सरकार है, आज तक उनने सिर्फ खोखले दावे किए, लेकिन आज इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में वाकई नूराबाद कहलाने के लायक बन गया। जहाँ पे भी 46 डलती है और उस पर तुरंत काम हो रहा है। और मैं डिप्टी कमिश्नर कुलगाम DC बिलाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरीके से वो नूराबाद में आ रहे हैं, हर जगह पे आ रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं, उसको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं।